हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी रेसिपीज बाय सुमन दैया। और आज हम इजी रेसिपी में बनाते हैं ढोकला। ये मैंने डेढ़ कटोरी बेसन ले लिया है और छान भी लिया है इसको मैंने। आपको इसका सामान दिखा देती हूँ मैं, सब क्या क्या डाल लेंगे इसमें। दही है, ये चीनी है 1.5 चम्मच, ये 1/4 कप दही है, अदरक है, ये हल्दी है और उसमें पानी मिला के मैंने रख रखा है, ये नींबू का रस है, 1.5 नींबू का रस है, ये है नमक। चलो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, गैस जलाते हैं। मैंने ढोकला मेकर गैस पे चढ़ा दिया है और मीडियम साइज ये है गैस। और अब हम इसमें पानी में भाप आने तक इसको पकाते हैं पानी को, और इसमें स्टीमर रख देते हैं और इसे अब ढक देंगे पानी को। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी चढ़ाया है। अब आगे की तैयारी करते हैं। भिगोने में मैंने 1.5 कटोरी बेसन ले लिया है, इसमें मैंने चीनी डाल दी है 1.5 चम्मच और 1/4 कटोरी वो दही है, और ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम डालते हैं इसमें नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डालना। और ये नींबू का रस है, बताया आपको 1.5 चम्मच, ये 1.5 नींबू का रस है। और ये चीनी मिला के, इसमें हल्दी मिला के मैंने ये रख रखा है पानी, ये भी इसमें डाल लेंगे। अब हम इसे इसका पेस्ट बनाते हैं। ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है, इस तरीके का बनाना है ये बेसन का घोल। अब हम ये थाली तैयार कर लेते हैं और थाली में लगाते हैं घी। आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, जो ऑयल आपको पसंद हो वो लगाना। हम घी लगा लेते हैं, हमने ये अपनी थाली तैयार कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारा घोल बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें इतना ये खाने का सोडा डाल लूँगी 1/2 चम्मच, और तुरंत ऊपर से पानी डाल दूँगी मैं, और अभी से एकदम चला देंगे। अभी ये डबल हो जाएगा। अब ये सोडा डालने के बाद हम इसे 1 मिनट भी नहीं बाहर रखेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे, थाली में डाल के रख देंगे अब इसे हम। इसको हटाते हैं और इसे उठा के हम थाली में रख देंगे, कढ़ाई में रख देंगे हम इसको। अब हम इसे ढक देंगे और 15 मिनट के लिए ढक देते हैं इसे। अब हम छौंक की तैयारी करते हैं। करते हैं ढोकले के ऊपर डालने वाले छौंक की तैयारी। चलो गैस जला लेते हैं। सामान बता देती हूँ आपको इसमें डालने वाला, ये 2 मिर्च है मोटी, हींग है, कड़ी पत्ता है, चीनी है, ये सरसों के दाने हैं, हरा धनिया है, और ये है नमक, ये थोड़ा सूखा नारियल है, इसको लास्ट में दिखाएंगे आपको। तेल डाल देते हैं, आपकी मर्जी, आप किसी भी तेल में छौंकना। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, लेकिन आप इसे किसी भी ऑयल, खाने वाला जो ऑयल होता है, किसी भी ऑयल में छौंक सकते हैं जो आपको पसंद हो। चलो इसको गर्म होने देते हैं।
सबसे पहले डालते हैं सरसों। अब डालते हैं इसमें हींग। अब डालते हैं हरी मिर्च। और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने धो लिया है। अब डालते हैं कड़ी पत्ता। सूप हो गया हमारा तैयार। अब इसमें डालते हैं चीनी। खट्टा मीठा बनाना है ना ये। और इसमें ये देखो 1.5 गिलास पानी आता है इसमें। वैसे मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार गिरना। हरा धनिया, इसे पकाते हैं थोड़ी देर। चलो ढोकले को चेक कर लेते हैं एक बार। ढोकले को चेक करते हैं। अभी ये थोड़ा सा कच्चा है। अभी इसे 5 मिनट और पकाते हैं। ढोकला बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखो इसने किनारी छोड़ दी है। ये देखो आप। अभी थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। ढोकला बन के तैयार हो गया है और ठंडा भी हो गया है ये। और मैंने इसकी कटिंग कर दिया इस तरीके से, चाकू से इसके पीस बना दिए हैं मैंने। ये देखो। अच्छा अब हम इसमें छौंक डाल देंगे। छौंक भी इधर तैयार कर दिया था मैंने। ढोकले के साथ बनाते हैं कच्चे आम की चटनी। अभी मैं इनको आम को छील लेती हूँ, फिर सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अब करते हैं चटनी की तैयारी। और चटनी के लिए मैंने आम काट दिए हैं। अब इसमें क्या क्या डालना है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। मिर्ची काट लेते हैं 2। आपको जितना मिर्ची डालना खुद अपने हिसाब से डालना। लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना। ये लहसुन है 4 कली। लहसुन डाल देते हैं। अब इसे पीस के दिखाती हूँ आपको। चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसे कटोरी में निकाल देते हैं। करते हैं छौंक की तैयारी। गैस जला लेते हैं और ये रख देते हैं गैस पे बर्तन छौंकने वाला। इसे गर्म होने देते हैं। अभी इसमें ऑयल डाल देते हैं।
ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये छौंक का सामान है, थोड़ी राई है, काली सरसों है ये, और एक मिर्च है ये लाल, इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है और इसमें डाल देते हैं। छौंक हमारा तैयार हो गया है और डाल देते हैं चटनी के ऊपर। चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है, कितनी सुंदर चटनी है। जो सूखा नारियल कस के रखा था इसको हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। ऐसे फाइनल टच देते हैं इसको। ढोकला और आम की चटनी बन के तैयार हो गई है। ढोकला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप भी बनाना, यदि आपके पास स्टीमर ना हो तो आप कुकर में बनाना। कुकर में के तले में कोई भारी वजन का कोई सामान रख लेना और उसके ऊपर अपना पानी भर के उसमें 1.5 गिलास 1 गिलास जितना आपका बैटर होगा, और उसके ऊपर फिर आप उस बर्तन को रख देना और कुकर की सीटी हटा देना और ढक्कन लगा देना। एक बार मैं फिर आपको कुकर में बना के दिखाऊंगी और किसी तरीके का ढोकला खमन। और बस अब एंड करते हैं वीडियो का। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कैसा ढोकला बना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय।